न्यूज 36 के दिखाइया जम्मू संगवारी मनला रामनगारची के जय जोहार। संगवारी हो आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज और मैं स्वागत करत हूँ आप मन के खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाम मा। तो संगवारी हो जैसे कि मैं आप मन ला बता दूं हमारा जो कार्यक्रम है नोनी कमाथे नाम वो माँ हमन आप मन ला ऐसे बेटी या ऐसे नोनी मन सो भेंट कराथन जे मन अपन घर परिवार के संगे संग समाज और समाज के बाहर में घलोक अपन नाम ला बगरावत हवे। तो ऐसने आज हमार स्टूडियो में उपस्थित है जांजगीर के SDM श्रीमती मेनका प्रधान जी। आवाज जानता नुकर से बातचीत करबो और जानबो कि कैसे यहाँ SDM के पद तक उनके सफर कैसे रही। तो मैडम सबसे पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नोनी कमाथे नाम में। मैडम थोड़ा आप मन अपन बारे में बताइए कि आप मन के शिक्षा दीक्षा कहाँ ले हुई से और आप मन थोड़ा सा कहाँ के रहिया वाला थोड़ा बताइए। मैं हर सरायपाली विकासखंड महासमुंद जिला के रहिया हूँ और मोर पढ़ाई वही सरायपाली में 12वीं कक्षा तक वहीं 10वीं तक KG कॉन्वेंट स्कूल सरायपाली और 11वीं और 12वीं IMDS स्कूल मिशन स्कूल सरायपाली में हुई थे। और कॉलेज जो है मोर वो आ महाविद्यालय छात्र के रूप में BSc मैथमेटिक्स से फुलझर महाविद्यालय सरायपाली में हुई। मैडम ये बताइए कि आप मन के सामने चुनौती भी रही सो ये पद ला पाए बर तो आप मन के परिवार के कैसे सहयोग रही से पद में आए बर आप मन की। परिवार के तो भरपूर सहयोग मिले क्योंकि मैं हर PSC की तैयारी शादी के बाद शुरू करूँ तो मोर परिवार के जितका जन है मन पूरा पूर्ण रूप से सहयोग दें और चूंकि मैं नौकरी में भी रहूँ तो समय निकाले के बहुत जरूरत पड़े तो जो भी मतलब मेहनत करो तो मैं पूरा सहयोग रही सो। मैडम अभी आप मन राजस्व अधिकारी के पद में पदस्थ हैं मैडम तो आप मन कैसे एक प्रेरित होया कि अब मोला घर के गृहस्थी ला संभालते हुए राजस्व के पद में जाना है और आप मन एक पढ़ाई कैसे करे है और कहाँ से अगर पढ़ाई करे के बाद में और कतक दिन तक पढ़ाई करे है तो ये SDM के पद ला आप मन पाया। स्कूली जीवन से ही एक सपना रही इसकी कलेक्टर बनना है बहुत सारे छात्र मन के सपना रहते IAS के जो नौकरी होते हैं मतलब आकर्षित करते अपन और खींचते तो एक सपना रही हमन जब देखन कि हमारे बीच में कोनो कलेक्टर के दौरा रहे तो उमन के हमन देखन कि उमन के जरूरत पर रहते कार्य करे के तरीका रहते तो स्कूली जीवन से ही बहुत प्रभावित रही। एक सपना रही इसकी कलेक्टर पद में जाना है कलेक्टर पद के तैयारी करना है तो वही के अंतर्गत फिर जब कॉलेज पास करें तो उसके बाद शादी भी हुई तो फिर PSC की तैयारी करना शुरू करें मार्गदर्शन लें कि कैसे कलेक्टर पद पर कैसे सिलेक्शन होते तो फिर पता चले इसकी PSC के माध्यम से तैयारी करना है तो फिर तैयारी करना शुरू करें। और उस समय चूँकि जॉब में भी रहें तो बीच बीच मतलब ऐसे बहुत कम समय मिलते अगर आपको नौकरी करत हो तो कर बाद नौकरी करते हुए फिर समय निकालना तो सुबह उठ के जैसे मोर आदत रही इसकी मैं सुबह 4 बजे से उठ जाऊँ और 4 बजे से 9 बजे लगातार 5 घंटे पढ़ाई करना फिर उसके बाद जब शाम को ऑफिस से लौटे के बाद रात को फिर सोए से पहले एक बार पूरा जो भी पढ़े नोकर रिवाइज करो ऐसे करके फिर तैयारी करें। अभी तो आप मैं SDM के पद में पदस्थ मैडम लेकिन हमारे दर्शक मान और हमन घलोक जानना चाहते हैं कि SDM के पहले आप मन कौन सा पद में रहा और कैसे आप मन मतलब SDM के पद में है एक पहले आप मन कौन सा पद में रहा। सबसे पहले तो मैं 12वीं पास करके बाद CG व्यापम के एग्ज़ाम हो रही शिक्षा कर्मी वाला तो मैं सेलेक्ट हो रही हूँ और जुलाई 2008 से अप्रैल 2018 तक शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में अपन सेवा दी फिर उसके बाद अप्रैल 2013 से दिसंबर 15 तक सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद पर पंचायत विभाग में सेवा दी और उसी दौरान मैं PSC की भी तैयारी करती हूँ तो PSC में फिर मोर डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्शन हुई तो फिर हमें त्याग पत्र देख के फिर डिप्टी कलेक्टर में। अब मतलब बहुत बहुत बधाई मैडम आप एक महिला हो के नाते ये पद ला आप मन पाए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप मन ला SDM के पद मिली तो सबसे पहले आप मन की पोस्टिंग कहाँ ला हुई से और जब पोस्टिंग हुई से तो वो समय आप मन ला कैसे एक अनुभव हुई कि अब SDM के पद ला संभालना है कैसे सोचे रहो आप मन। मोर पोस्टिंग तो ऐसे दिसंबर 2015 में डिप्टी कलेक्टर के पद में हुई तो सबसे पहले मोर पोस्टिंग गरियाबंद जिला में 2.5 साल वहाँ सेवा दी तो गरियाबंद जिला में मैं प्रोबेशन के दौरान 6 महीने जनपद CO छुरा भी रहे हूँ छुरा जो है मतलब वो ट्राइबल एरिया रही वहाँ गरियाबंद के ट्राइबल ब्लॉक रही तो वहाँ सेवा दें वहाँ ODF के कार्य में भी काफ़ी भूमिका रही और बाद राजिम जब अनुभाग घोषित हुई तो वहाँ भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के रूप में कार्य करे के अवसर मिले और उसी दौरान मोर पदस्थापना जांजगीर चांपा जिला में हुई तो जांजगीर चांपा जिला में कार्य करें उसके बाद फिर अक्टूबर 2019 से जांजगीर अनुभाग में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्य मिले
और एक साल पूर्ण हो के है, बहुत चुनौतीपूर्ण रही, फिर भी काफी सीखे के अवसर भी मिले और अच्छा अनुभव रही। तो मैडम अब आप लगा लगा थे अब एसडीएम के पद में बने रहना है या एसडीएम के ऊपर में भी जो पद होते ओला पाए के आप मन की इच्छा है का सोचते हो आप मन? तो हम अभी डिप्टी कलेक्टर में सेलेक्ट हुए तो समय समय पे हमारे तो पदोन्नति होते रहते, तो फिलहाल तो अभी अनुविभागीय अधिकारी के रूप में कार्य करत हैं, फिर समय समय पे जो पदोन्नति हुई तो जैसे जैसे जो भी जिम्मेदारी मिली ओला निभाते जाओ। गृहिणी के रूप में आप मन अपन जवाबदारी ला कैसे निर्वहन करता, काबर की एक तरफ आप मन ला परिवार के भी दबाव रहते, दूसरी तरफ प्रशासन के भी और जनता के भी आप मन ला दबाव रहते कि हम ला ये काम करवाना है मैडम से, वो काम करवाना है, लेकिन संगे संग आप मन दोनों काम ला कैसे निर्वहन कर लेते, ओकर बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शक मन बताओ मैडम। जैसे कि आप सभी जाना तो राजस्व अधिकारी के जो कार्य होते बहुत चुनौतीपूर्ण रहते, कई प्रकार के जिम्मेदारी रहते, प्रशासनिक भी रहते, न्यायालयीन कार्य भी रहते और बहुआयामी कार्य रहते, सारे कार्य करना रहते, कार्यालयीन समय के बाद भी कभी देर रात तक या फिर अवकाश के दिन में भी कुछ ऐसी चुनौतियां थे कि फील्ड में जाए बर लगते, तो उतना अधिक समय तो नहीं दे पान, लेकिन परिवार वाले भी ये चीज़ ला समझते हैं कि ये नौकरी ही ऐसा है कि मैं अधिक समय दे पाना संभव नहीं, तो जो भी समय निकालते हैं तो परिवार के शादी ब्याह है या फिर पूजा पाठ है, मैं कोशिश करते हैं कि सम्मिलित हो जाऊँ और घर में छोटी बच्ची भी है तो कर देखभाल भर परिवार वाले हैं, समय निकाल के फिर कोशिश करते हैं कि कुछ, लेकिन बीच में थोड़ा सा मन ला उदास भी लगत हुई खबर कि आप मन के घर में शादी बर विवाह के जो माहौल रहते वो पूरा परिवार मन शामिल होते आपके पूरे रिश्तेदार मन आते, तो वो में कहीं ना कहीं नहीं लगे कि इतना बड़ी जिम्मेदारी आए के बाद में हम अपन परिवार से मिल नहीं पावथन करके, तो वो मेरे तो थोड़ा सा आप लोग नर्वस लगत हुई कि काश हमन भी अपन परिवार के शादी में शामिल होते हैं इंजॉय करते हैं करके। वो फीलिंग तो आते है लेकिन चूंकि ये जॉब के जो जिम्मेदारी हो पहले से पता रही, सपना ही रिस्क, ये जॉब में आना है एक मतलब ड्रीम रिस्क, ये जॉब में सेलेक्ट होना है और अगर चुनौतियाँ भी ऐसी हैं तो वो मलाल तो रहते, लेकिन चूंकि हमें अलग एक वो भी मिलते संतोष भी मिलते कि जनता की सेवा करके मौका मिला थे, लोक सेवक के पद में कार्यरत हैं और में काफी सारी शक्तियों के प्रयोग करे के भी अवसर मिलते, तो अगर भी कहीं ना कहीं संतुष्टि रहते तो ये तो है दोनों के बैलेंस मतलब बना के चलते। बिल्कुल मैडम बिल्कुल, आप मन दोनों को सामंजस्य बना करके चलता खबर कि आप मन प्रशासनिक पद भी देखना है और घर के पद भी देखना है। हम ये जानना चाहते हैं मैडम कि प्रशासनिक पद में तो आप मन हावे आप मन ला और ऐसे का क्षेत्र में रुचि है जिसमें आप मन ज्यादा बोल कर था कि हम ये क्षेत्र में ज्यादा हमारा रुचि करके थोड़ा उसके बारे में बताइए। ऐसे विशेष रूप से तो मुला साहित्य में रुचि है लेकिन चूंकि नौकरी की जिम्मेदारी रहती है तो समय उन्हें दे नहीं पाऊँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कुछ समय निकाल के हिंदी साहित्य या कोई भी अन्य भाषा के साहित्य है वाला पढ़ पाऊँ, लेकिन उन्हें काफी समय कम मिलते। बिल्कुल आप मतलब सबका दिल देखना पड़ता है तो समय नहीं निकाल पाओ आप मन। मैडम ये बताइए अभी 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने वाला है, तो वो मैं आप मन हमारे क्षेत्र के जो दाई बहनी मान ले दाई बहनी मन ला आप मन का संदेश देना चाहता विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सब ला यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप सब ला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहुत बहुत बधाई। मैं जितना भी महिला मोरा सुना थे मैं सब ला यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप मन अपन आप ला कमजोर मत समझो, महिलाओं में बहुत ताकत होती, सबसे ज्यादा जो ताकत होती है वो मानसिक ताकत होती है, मानसिक रूप से हमन बहुत मजबूत रहते, वो हमारे ला हमार जेनेटिक रूप से मिलते, तो वो ताकत ला आपन महसूस करा, आप मन की जो भी शक्ति है वाला आप मन महसूस करो, कभी भी अपन आप लोग कमजोर नहीं समझना, जो भी आपके सपना है वाला पूरा करे पर भरपूर कोशिश करो, कभी भी आपके खिलाफ कोई अपराध होते आप लोग दबाए की कोई कोशिश करा थे तो कर खिलाफ आवाज उठावा, बहुत सारे कानून बन चुके हैं महिला पर, हाँ पुलिस और प्रशासन भी पूर्ण रूप से हमें सहयोग दिए थे, तो कोई भी अपराध होते या कहीं भी आप मतलब लगा थे कि कहीं कोई घरेलू हिंसा होते तो ओला सहना नहीं है, ओला चुप रह के बिल्कुल ओला स्वीकारना नहीं है, उनके खिलाफ आवाज उठावा, शासन बहुत सारा योजना चला थे महिला मन पर तो योजना के आप मन लाभ लेवा, अभी जैसे आप जाना तो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी अंतर्गत जो महिला समूह है उनके सशक्तिकरण के प्रयास चला थे तो हमें आप मन सहभागिता देवा, और महिला कोई भी रूप में कमजोर नहीं है, महिला के हर रूप है वो अपने आप में बहुत सशक्त है, चाहे वो गृहिणी हो, राजनीतिज्ञ हो, प्रशासनिक हो, कोई भी क्षेत्र में कार्य करने वाली महिला है, और हर प्रकार की चुनौती रहते घर परिवार की चुनौती रहते बाहर वाला अपन आप ला साबित करना होते तो अपन विश्वास ला कभी खोए देना नहीं चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए, कावर की आप में जो ऊर्जा है वो स्वयं भगवान आप ला देते हर चीज के सहे के ऊर्जा और भरपूर मेहनत की ऊर्जा, तो ऊर्जा ला बनाए रखना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।
बिल्कुल मैडम, वो मेहनत करके आपके जो सपना है वो पूरा करे के दिशा में भरपूर प्रयास करना चाहिए मैडम। आप मतलब बधाई देते हैं महिला। हम एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे आप मन अभी बताया कि महिला कोई भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है, वो मन हमेशा सफलता मिलते करके, लेकिन अभी भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ देखा जाए तो जो छोटे छोटे लड़की मन रहते हैं वो मन ला आठवीं नौवीं पढ़ाई के बाद में अगर माँ बाप मन यही सोचते कि अब आगे कहाँ पढ़ाना है बेटी ला, कबर कि अब तो आगे जा तो सिर्फ ससुराल में चूल्हा फूके के ही काम कर ही करके, तो वो मन उगर पढ़ाई लिखाई ला रोक देते, जेकर वजह से वो मन आगे नहीं बढ़ पाए, वो मन वो मंजिल ला नहीं हासिल कर सके जेला वो मन चाहत रहते करके, तो वो मन ला हमारे चैनल के माध्यम से आप कहा संदेश देना चाहते हो? मैं ऐसे जो भी अभिभावक है मन यही कहना चाहता हूँ कि अपन अपन लड़की ला जरूर बढ़ाओ, काबर की एक लड़की पढ़ते तो वो दो कुल ला रोशन करते अपन, मायका कुल के साथ साथ ससुराल कुल, और अगर वो आपकी लड़की अच्छे से पढ़ी लिखी तो आगे चल के वो ला सभी ला फायदा होना है, काबर की पढ़ी लिखी महिला के वो अपन शक्ति ला अनुभव करते, वो अपन अधिकार ला भी जानते, तो कभी भी ऐसे प्रयास नहीं करना चाहिए कि आपकी बच्ची बड़ी हो गई तो ला स्कूल ला चढ़ावा, कबर की अब आप जाना तो शिक्षा के बहुत महत्व है आज के जमाने में, सब कुछ उपलब्ध भी है, मोबाइल उपलब्ध है, यातायात उपलब्ध है, स्कूल भेजे पर शासन के बहुत सारे स्कीम भी है, अब निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देते हैं, भोजन देते हैं, सुपोषण के दिशा में भी कार्य होते, छात्रवृत्ति मिला थे, तो वो सब स्कीम के बारे में अपन अपन ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच से सहयोग करके जानकारी ले सकते हो, और अगर आपके बच्ची पढ़ी तो कल के डेट में आप लाकर चिंता नहीं रही, काबर की आप जाना तो शादी के बाद शादी के जो उम्र होते तो आप मन अच्छा लड़का खोजे लगते, तो कई प्रकार के चिंता रहते, तो अच्छा पढ़ी तो अच्छा नौकरी कर सका थे, अच्छा व्यवसाय कर सका थे, तो मतलब खूब पढ़ाना चाहिए, काबर की वो अच्छे से पढ़ी तो आप मन की चिंता समाप्त हो जाए। बिल्कुल मैडम, बहुत शिक्षा ही वो हथियार है जेकर से आपके बेटी जो है अपन जीवन ला सुखी बना सकते। बिल्कुल, तो कभी भी बच्ची के पढ़ाई नहीं छोड़वाना चाहिए, मतलब खूब पढ़ाना चाहिए, वो जहाँ तक पढ़ना चाहते वहाँ तक पढ़ाना चाहिए, और अब तो हर प्रकार के सुविधा उपलब्ध है। तो जैसे कि अभी आप मन बताए मैडम हमला बहुत अच्छा लगे, और आप मन हमारे न्यूज 36 के टीम ले बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मन अपन कीमती समय ला निकाल करके हमारे स्टूडियो में आए हो, और हमन के संगे संग हमारे जो दर्शक मन है ते मन ला बताए हो कि महिला के ऊपर जो अत्याचार होते ओला कैसे आवाज ला उठाना चाहिए, और संगे संग अभी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होते वो मन लोगन मन ला आप मन संदेश दियो, तो संगवारी हो अब बेरा हो गए आप मन से विदा ले के, अब मन संग फिर मुलाकात हो हमारे नोनी कमाथे नाम के जो कार्यक्रम है उमा नवा चेहरा और नवा गोट के संग मा, तब तक के लिए हमारा देवा इजाजत, और आप मन देखत रहो आप मन के अपन लोकप्रिय संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज, जय जोहार।